नमस्ते जी, हम पहुंच गए हैं सारी विलेज में और हम जा रहे हैं देवरीताल चंद्रशिला ट्रैक करने के लिए। एक दिन हमने लिया है सारी विलेज घूमने के लिए और मैं कई सालों के बाद इस गांव में घूमने के लिए आ रहा हूं। बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं जगह से। इस गांव के स्कूल के अंदर कई महीनों छोटे बच्चों को पढ़ाया है। इस जगह पे बहुत रनिंग करी है, गांव वालों के साथ मिलके क्लीनअप किए हैं और इतने सालों के बाद जब मैं इन गलियों में घूमने आया हूं तो बहुत पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। सारी गांव में इंडिया हाइक्स का हमारा कैंपस भी है। नमस्ते जी, हम तैयार हो गए हैं अपने ट्रैक के लिए और हम ये ट्रैक करने जा रहे हैं 3 दिन के अंदर। फर्स्ट डे पे जो कि है आज, हम जाएंगे देवरीताल। दूसरा दिन है देवरीताल से चोपता और तीसरा दिन है जो कि है चोपता से चंद्रशिला एंड बैक। हम वापस आ जाएंगे सारी विलेज में। देवरीताल जाने के लिए आपको अच्छी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और जब भी आप इस ट्रेल पे रुक के पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको सारी गांव के बहुत खूबसूरत खेत देखने के लिए मिलते हैं। इसी ट्रेल पे आपको अनेक प्रकार के पेड़ मिलेंगे जो अलग अलग सीजन में फल और फूल देते हैं और इन्हीं पेड़ों पे सुबह और शाम के टाइम पे आपको अनेक प्रकार की चिड़ियां चहकती हुई सुनाई देंगी। आपको बताना चाहूंगा कि देवरीताल जाने के लिए आपके पास 2 रूट्स हैं। एक है पुराना ट्रेडिशनल रूट जो गांव के बीचों बीच से होते हुए जाता है, पूरा 30% है, पथरीला रूट है और सीधा ही देवरीताल जाता है। दूसरा है मेरे पीछे जो जंगल के बीचों बीच से रोपाणी बुग्याल से घूमते हुए जंगल के थ्रू आपको देवरीताल लेके जाता है। थोड़ा सा लंबा रूट है पर बहुत खूबसूरत है। यहीं से दिख रहा है, एकदम स्टीप असेंट है, फिर से जोर लगेगा पर ठीक है, तैयार है हम भी। ब्रेक लेते हैं, इंश्योर करें कि छोटे ही सिपले बड़े घूट ना लें क्योंकि फिर चलते हुए पेट दर्द होने लग जाता है। ये ट्रेल पे चलते चलते हमें बुरास का एक फूल मिला है, तो खा के देखते हैं कैसा ये है। जैसे मैं आपको बताया थोड़ा खट्टा होता है खाने में, पर जब इसका जूस बनाते हैं तो इसमें ऑफकोर्स थोड़े से शुगर मिलाया जाता है, मिठास मिलाई जाती है, पर एक्चुअल में थोड़ा खट्टा होता है पर बड़ा मज़ा आता है। ज़्यादा मत खाइएगा, पेट ना खराब हो जाए, तो पर स्वाद के लिए। मैं यहाँ पे 3-4 टिप्स शेयर करना चाहूँगा स्टीप असेंट के लिए। पहला है कि 2 ट्रैक पोल्स यूज़ करें, आपकी 2 की बजाय 4 टांगे हो जाएंगी। दूसरा है कि आप माइक्रो स्टेप्स लीजिए, एक पैर के आगे दूसरा पैर रखिए, बड़े स्टेप्स अवॉइड करिए। तीसरा है कि आप एक कंफर्टेबल पेस लाने की कोशिश करें। अगर आप चलते हुए थक रहे हैं, यू आर रनिंग आउट ऑफ योर ब्रेथ, तो ब्रीदिंग को अपने कंट्रोल में रखिए। और चौथा है कि आप कंसिस्टेंटली लंबा डिस्टेंस कवर करें, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना अवॉइड करें ताकि आप स्टीप असेंट पे ज़्यादा ना थकें एंड कंटिन्यूसली चलते रहें। देवरीताल पहुंचते ही आपको एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट मिलती है, यहाँ से परमिशन लेना अनिवार्य है। अगर आप देवरीताल जा रहे हैं तो 1 दिन का, पर अगर आप चोपता चंद्रशिला तक ट्रैक कर रहे हैं तो 3 दिन का आपको शुल्क कटवाना जरूरी है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये कैंप है और हम इधर ही रुके हैं आज। आपको बताना चाहूँगा कि देवरीताल कैंप साइट पे आपको ऐसे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रहने के लिए। आपको यहाँ पे फूड, एकोमोडेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी तक की भी सुविधाएं अवेलेबल हैं। आप जब देवरीताल आते हैं तो आप देवरीताल पे एक परिक्रमा जरूर करें। एक परिक्रमा लेक के साथ में है और एक परिक्रमा ऊपर से होके जाती है। नीचे वाली आपको लेक का अच्छा व्यू देगी
जो ऊपर वाली है वो आपको बहुत ही प्यारा नजारा देंगे आसपास की सारी माउंटेन रेंजेस का। फॉरेस्ट चेकपोस्ट से नीचे उतरते ही 100 मीटर के बाद लेफ्ट साइड पे एक बहुत प्यारा फॉरेस्ट सेक्शन है कॉनिफेरस ट्रीज का, जो कि बहुत अनलाइकली है इस पूरे ट्रेल पे आपको मिले। देवरिया ताल पे वक्त बिता रहे थे पर मौसम आपको जैसे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पैक हो गया है और बादल भी गरज रहे हैं, बीच बीच में बर्फ गिर रही है, ओले गिर रहे हैं अभी। ये हमारे तैयार हो गया है फ्राइड राइस, थोड़ा सा सूप रखा हमने इसमें, और ये है हमारी गर्मा गर्म कड़ी, साथ में है पापड़ और सलाद। और ये पूरे का पूरा जो खाना है इसको तैयार करने में 15 से 20 मिनट लगे हमें सिर्फ, और यही हमारी फूड किट है जो हम इंडिया हैक्स में प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ यही नहीं है मेन्यू में, हमारे पास दाल खिचड़ी है, कड़ी है, फ्राइड राइस है, उपमा है, पोहा है, वर्मिसली खीर है, और ना जाने और कितनी सारी आइटम है। तो जब भी हम ट्रैक पे जाते हैं हम खाने को मिस नहीं करते, न्यूट्रिशन भी रहता है, स्वाद भी रहता है, और बहुत जल्दी भी हो जाता है। हम खड़े हैं देवरिया ताल के वॉच टावर पे और व्यू देखने आए हैं पीछे हिमालयन रेंज का, चौखंबा, केदारनाथ, केदार डोम, मंदानी पर्वत, थलाई सागर और कई सारी चोटियां हैं जो इस वॉच टावर से दिखती हैं। आप देवरिया ताल पे अगर कैंप कर रहे हैं तो सुबह जल्दी उठ के इस वॉच टावर पे जरूर आए और यहाँ से सनराइज होते हुए इन पीक्स पे देखें। एक और जगह है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे, वो है आपका स्पॉट जहाँ से आपको मिरर इमेज दिखती है देवरिया ताल लेक में। यहाँ से जो दिन शुरू होने वाला है ऑलरेडी 9:50 हो गए हैं और हमें लंबा सफर तय करना है आज। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरे का पूरा रूट है जो देवरिया ताल से चुपता का फॉरेस्ट है, ये देखने लायक है, इसको मिस नहीं कर सकते। मैक्सिमम लोग देवरिया ताल देखते हैं और फिर सीधा चंद्रशिला चले जाते हैं, ये फॉरेस्ट मिस कर देते हैं। आज के दिन की शुरुआत अच्छी चढ़ाई से होती है। शुरुआत में आप झंडी टॉप के लिए चढ़ते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट कवर नहीं है पर दोनों तरफ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। एक तरफ पे सारी गांव, मुक्कू गांव, चंद्रशिला दिखता है तो दूसरी तरफ पे आपको ग्रेट हिमालयन रेंज के बहुत वाइड व्यूज़ मिलते हैं। हम खड़े हैं इस टाइम पे झंडी टॉप पे। आपको झंडी टॉप लगभग सारे ट्रैक पे ही मिल जाएगा, जहाँ पे भी अच्छी हाइट पे एक झंडा लगा होता है वो झंडी टॉप बन जाता है। तो ये देवरिया ताल का झंडी टॉप है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये पहाड़, इसके बिल्कुल ऊपर आपका भेसुड़ी ताल है। ये ट्रिक हमने एक्सप्लोर कर रखा है इंडिया हाइक्स में और पता नहीं शुरू करते हैं कि नहीं, पर बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंजिंग ट्रिक है। झंडी टॉप के तुरंत बाद हम फॉरेस्ट सेक्शन में एंटर कर गए। देवरिया ताल चंद्रशिला ट्रिक का फॉरेस्ट सेक्शन आपको शायद ही किसी और 12,000 फीट के ट्रैक पे देखने के लिए मिले। जो इसके सबसे करीबी में आता है वो शायद केदारकांठा का कोडगांव वाला रूट है, पर ऐसा फॉरेस्ट सेक्शन जो कि इतना घना, इतना बड़ा और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वो शायद ही आपको कहीं और देखने के लिए मिले। गलत रूट पे ना निकल जाए इसके लिए एक बार GPX फाइल देख लेते हैं। ये देखिए, ये लाइकन है, इसको यहाँ की लोकल भाषा में इसको जुला घास बोलते हैं। गांव के लोग इसको इकट्ठा करते हैं, बोरी में इकट्ठा करके लेके जाते हैं कई किलो के हिसाब से, और मार्केट में इसको बेचा जाता है। अगर लोकल लोगों के अनुसार बताया जाए तो कहते हैं कि इसका लोकल मेहंदी बनाने में इसका काम आता है, और ये तकरीबन
170 से 180 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। इस जंगल से आगे बढ़ते हुए आप सीधा रोहिणी बुग्याल में पहुंचते हैं। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच स्थित ये बहुत बड़ा बुग्याल है, जहाँ के नज़ारे बिल्कुल हिला देने वाले हैं। ये पूरा बुग्याल बहुत विशाल रोडोडेंड्रॉन पेड़ों से ढका हुआ है और मार्च और अप्रैल के टाइम पे ये पूरे का पूरा माउंटेन एकदम पिंक और लाल कलर में बदल जाता है। हम डायवर्जन पे पहुंच गए हैं, जहां से हम रिज से दूसरी तरफ उतरते हैं और यहां से चोपता 4 किलोमीटर है। ये वही नदी है जहां पे ज्यादातर लोग रुक के लंच करते हैं, क्योंकि यहां पे पानी का सोर्स अवेलेबल है। देवरिया ताल से चोपता वाला दिन बहुत लंबा है, तो ऐसे में दो चीजों का ख्याल रखना है। एक कि आप अपने साथ पैक लंच जरूर लेके चले, और दूसरा कि आप अपने साथ ट्रेल स्नैक्स रखें। यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो पूरे का पूरा फॉरेस्ट बिल्कुल ही बदल गया। शुरुआत में जहाँ हरियाली थी, तो अब ट्रेल के ऊपर बर्फ मिलने लग गई। पूरे का पूरा बुग्याल एकदम वाइट स्नो से ढका हुआ था। यहाँ पे बीच में एक और कैंप सेट भी आती है, जिसका नाम है मारतोली। कौन सुनाई दे गया, हम पहुंच गए हैं मोटरेबल रोड के ऊपर। यहाँ पर हम चोपता बैंड पे मिल जाते हैं और यहाँ से हम जाएंगे चोपता की तरफ। चोपता पहुंचते ही आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और कई सारे होटल्स मिलेंगे रहने के लिए, और शाम के टाइम चोपता से दिखने वाला सनसेट बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। शायद हम बहुत लकी हैं कि आज हमें स्नोफॉल भी मिल रही है, अच्छी बर्फ भी गिरी हुई है और पीछे सनसेट दिख रहा है, तो बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं। और आज का ट्रैक भी बहुत खूबसूरत था, देवरी ताल से सीधा चोपता का। हम पहुंच गए हैं चोपता और हम फिलहाल हैं अपने गेस्ट हाउस में, नीलकंठ होटल में। खैर होटल में सुविधा तो है, पर एक चीज मैं आपके लिए रिकॉर्ड करना चाहूंगा, वो ये है कि आप अपने साथ एक लाइनर जरूर लेकर आए। ये मेरे को गर्म भी रखता है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मेरा हाइजीन मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, हम रेडी हो गए हैं निकलने के लिए तुंगनाथ चंद्रशिला के लिए। शुरुआत में ही हमने बुर्ज गली बुग्याल को क्रॉस किया और बीच में कई ऐसे मोड़ आए जहाँ पे सुबह 7 से 9 बजे के बीच में कई सारे मोनाल देखने को मिलते हैं। सनराइज हो चुका है, चौखम्मा पे सुबह की पहली किरण पड़ने वाली है। ये बुरास के पेड़ है, इनको इनके ऊपर पर्पल कलर के बुरास खिलते हैं। इनमें ब्लूमिंग सबसे लास्ट में होती है, अप्रैल मिड अप्रैल एंड के टाइम पे, और पूरे के पूरा वैली उस टाइम पे पर्पल हो जाता है। जब आप मंदिर के पास पहुंचेंगे तो कई गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट्स आपको देखेंगे जो सर्दियों के टाइम पे बंद रहते हैं, पर गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इतनी ऊंचाई पे इस मंदिर की स्थापना किस प्रकार से की गई होगी। 7:52 हो रहे हैं, हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ टेम्पल, मेरे बिल्कुल सामने है। ये सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। यहाँ से अब मैं अपने ट्रिक पोल्स यूज करूंगा, क्योंकि तुंगनाथ टेम्पल तक पेव ट्रेल है, वेल मार्क ट्रेल है। इसके आगे का जो ट्रेल है वो काफी रॉ है, वहां पे कोई पेव्ड ट्रेल नहीं है, तो यहाँ पर अब ट्रिक पोल्स ग्लव्स दोनों की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोस्पेक्स निकाल लिए हमने, क्योंकि जो यहाँ से आगे की ट्रेल है वो काफ़ी स्टीप एंड स्लिपरी है, तो ग्रिप अब ज़रूर चाहिए होगी। तो मैं अपने साथ ये हमारी इंडिया हाइक्स की सेफ्टी किट कैरी कर रहा हूँ। चंद्रशिला समिट चढ़ते हुए अक्सर अनेक लोग मिलते हैं, पर उस दिन समिट कोई भी नहीं चढ़ रहा था और मुझे
रूट ओपन करने का मौका मिला क्योंकि उसी से एक रात पहले हल्की स्नोफॉल हुई थी। समिट पे पहुंचते ही ग्रेट हिमालयन रेंज का बहुत खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर व्यूज मिले। चंद्रशिला समिट एक इजी मॉडरेट समिट है और इतने एफर्ट्स के साथ जो पीक व्यूज मिलते हैं वो देखने लायक हैं। गढ़वाल हिमालयस की 30+ पीक्स और इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन देखने का मौका आपको चंद्रशिला ट्रैक से मिलता है, जिसमें नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा घुंटी, द्रोणागिरी, हाथीगौरी पर्वत, चौखंबा, केदारनाथ, जनहोकुट, थलाई सागर, मंदानी और कई सारी अनेक चोटियों का बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। और चंद्रशिला के आसपास ये एक लौता पहाड़ है जो बहुत हाई पॉइंट पे है, यहाँ के व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत हैं।